दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अंधेरी रात थी, भांजे ने अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए मामी के कमरे में पहुंच गया। कमरे में उसकी मामी और उनकी कुंवारी बेटी बेड पर लेटी हुई नहीं, कमरे में अंधेरा था। वह मम्मी और बेटी में अंतर नहीं कर पाया और जाकर कुंवारी बेटी के बगल में लेट गया। वह मामी की बेटी को मामी समझकर 61-62 वाला गेम खेलने वाली हरकतें करना शुरू कर दिया। मामी की बेटी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके नाजुक अंगों पर बार बार स्पर्श होने पर वह जाग गई, मगर वह कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि उसे बहुत मजा आने लगा था। आजा मामी को समझकर मामी की बेटी को सीने से लगा लिया। फिर दोनों मन की प्यास बुझाने के लिए उसी बेड पर टेक्स्ट 61-62 बॉल गेम खेलने लगे। दोस्तों, चढ़ती जवानी और बेल का यह कहानी एक गांव की है। कॉलेज की छुट्टियां हो गई थीं तो भांजा विकास अपने मामा के घर घूमने के लिए आया था। घर में केवल उसकी मामी और उनकी जवान बेटी ही थी। मामा विदेश में नौकरी कर रहे थे। मामी अपने आप को एकदम मेंटेन करके रखा हुआ था। जो भी देखता यही कहता कि मामी और उनकी बेटी दोनों सगी बहनें हैं। मामी ने भांजे को चाय नाश्ता कराया और पूछने लगी, विकास तुम तो बहुत दिनों के बाद मेरे घर आए हो, क्यों नहीं आ रहे थे? तुम्हारे मामा तो विदेश में हैं, वह 2 साल से वहीं रह रहे हैं। उनको तो मेरी याद नहीं आती, तो तुम ही आया जाया करो, मन बहल जाया करेगा। भांजा विकास हैरानी से पूछा, क्या बात है मामी, आप परेशान लग रही हो, मुझे बताइए क्या परेशानी है? अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर दूर करूंगा। मामी बोली, विकास तुम तो समझदार हो और जबान भी, आखिर एक औरत अपने पति से क्या चाहती है? तुम यह सब अच्छी तरह से जानते होंगे, मेरा खेत एकदम बंजर पड़ चुका है। भांजा विकास मामी की इन सब बातों को सुनकर उसके शरीर कुछ कुछ होने लगा था। भांजा विकास बोला, मामी आप चिंता मत करो, आप चाहो तो आज रात में तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। मामी मुस्कुराते, अच्छा चलो आज देखते हैं तुम्हारा ट्रैक्टर कितना मजबूत है। रात को सभी ने खाना वाना खाया, भाभी अपनी बेटी के साथ रूम में सोने चली गई। मामी अपनी बेटी के सोने का इंतजार कर रही थी, मगर बेटी काफी रात तक जाती रही और मामी से बातें करती रही। उधर भांजा विकास अपनी मामी का इंतजार करता रहा। जब काफी रात हो गई तो मामी बेटी के सोने का इंतजार करते करते वह खुद सो गई और उनकी बेटी भी सो गई थी। राजा विकास सोचने लगा कि मामी तो अभी तक आई नहीं, लगता है कि वह मुझसे मजाक कर रही थी, लेकिन भांजा विकास के शरीर के अंदर काफी उथल पुथल हो रही थी। उसके अंदर की ज्वालामुखी अब भड़क चुकी थी। उसमें ताव में आकर कि मामी ने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया। वह अपने बिस्तर से उठा और मामी के कमरे में पहुंच गया। मम्मी और उनकी बेटी एक जैसी दिखती थी। भांजा विकास उनकी बेटी के बगल में लेटकर हरकतें करना शुरू कर दिया। शरीर में गुदगुदी होने से जवान बेटी जाग गई और पहली बार ऐसा आनंद पाकर शांत होकर मजा लेने लगी। अब जब उसकी जवानी तूफान मारने लगी तो वह उससे लिपट गई और दोनों एक्स्ट 61-62 बॉल गेम खेलना शुरू कर दिया। जब दोनों अपने चरम सुख पाकर शांत हुए तो भांजा अपने बिस्तर पर सोने चला गया। इधर जब आधी रात को मामी की आंख खुली तो देखा बेटी सो रही है। मामी धीरे से उठकर भांजा विकास के पास पहुंच गई और भांजे को प्यार करने लगी। तभी भांजे की आंख खुल गई और वह बोला, क्या हुआ मम्मी, अभी मन नहीं भरा? क्या मम्मी बोली, क्यों अभी तो आई हूं? फिर वह कौन था जिसके साथ में अभी 61-62 वाला गेम खेलकर आया हूं?